शिट सर, ये क्वेश्चन मैं कैसे छोड़ दिया, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, अभी मुझसे नहीं हो पाएगा, जल्दी से आप मुझे बता दो। अरे अरे ठंड रख भाई, बता रहा हूँ, टेंशन मत ले। देख क्या कर, तुझे यहाँ पे स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस है स्मॉल आर। अब इसके अंदर एक कोन बना है जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम है, और जब इसका मैक्सिमम वॉल्यूम है तो तुझे हाइट बतानी है कि इसकी 4r/3 है। तो एक काम कर, इसके अंदर कोन बना, कोन की तरह यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर प्लस एक्स हो जाएगी, ठीक है, एक्स को लेट कर ले, और यहाँ पे कोन का रेडियस ले कैपिटल आर, ठीक है। अब तुझे पता है जो कोन का वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 πr². अब यहाँ पे तुझे पता है कि जो गिवन पैरामीटर होते हैं वो कांस्टेंट होता है, तो तेरा स्मॉल आर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे काम कर, जो तेरा वॉल्यूम है कोन का उसको सिर्फ एक ही उसमें वेरिएबल में लिया, जो एक्स में लिया, तो यहाँ पे पाई स्क्वायर लगा, तो यहाँ से तेरा जो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा r² - x², और तुझे पता है यहाँ पे जो तेरा एच है वो हो गया तेरा स्मॉल आर प्लस एक्स हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको 0 के इक्वल कर, तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आ रही है तेरी माइनस की, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो एक एक्स की वैल्यू आएगी तेरी r/3। अब कुछ मत कर, इसको डबल डिफरेंशिएट कर यहाँ पे, और डबल डिफरेंशिएट करने के बाद इसमें एक्स की वैल्यू डाल दे, तो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आया इसका मतलब क्या है कि तेरा मैक्सिमम वॉल्यूम ही है। तो यानी कि अब तू यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल दे, किसमें, हाइट में डाल दे, यानी तेरा हाइट कितनी है r+x, तो तेरा यहाँ पे हाइट निकल के आएगी 4r/3। अब तुझे क्या बोला कि भाई वो मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूफ करो किसके किसके इक्वल है, 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो कुछ मत कर, जो तूने स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम की इक्वेशन को लिया हुआ है इक्वेशन 1, वहां पे एक्स की वैल्यू डाल दे और सॉल्व कर दे, तेरा आ जाएगा 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हो गया खत्म। हां हां, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।